दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे MgSO4 या फिर मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग के बारे में मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग सीजर को ट्रीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो विशेषकर यूज की जाती है प्रेगनेंसी में जब एक्लेमसिया और प्री वाली सिचुएशन देखने के लिए मिलती है तो दोस्तों आज का हमारा टारगेट रहेगा एमजीएसओ ड्रग के बारे में पढ़ने के लिए इंडिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमजीएसओ फोर काम करती है साथ में हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जिसमें हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बारे में बात करेंगे करेंगे इसके एंटीडोट के बारे में कि अगर टॉक्सिसिटी एमजी सोफर की हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं तो आज का कंप्लीट लेक्चर पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश डिमान लेक्चर के साथ में दोस्तों बिना किसी तरीके शुरू करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट तो मैग्नीशियम सल्फेट ये स्पेलिंग में सा डिफरेंस है इज अ केमिकल कंपाउंड और केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला है एनजीएसओ फोर कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम केटाइन मैग्नीशियम केटाइन ऐड होता है सल्फेट एनआईन के साथ में और तब जाके एक कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं एनजीएसओ फोर इज अ व्हाइट क्रिस्टल सोलिड जो ये मटेरियल है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल है जो सोल्यूबल होता है या डिजोल हो सकता है वाटर के अंदर इसके बाद है इसके इंडिकेशन कि जब हॉस्पिटल में हम यूज करते हैं एमजीएसओ फोर को वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम एमजीएसओ फोर को देते हैं तो पहला पॉइंट यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ प्रियम्सिया एंड एक्लेमसिया प्रियमसिया की एंड वाली सिचुएशन जिसमें सीजर आ सकते हैं और एक्लेमसिया तो वही सिचुएशन है जिसमें सीजर आते हैं उस कंडीशन में हम एमजीएसओ फोर को ड्रग को देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूट नेफ्राइटिस इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन में जब एक्यूट नेफ्राइटिस कंडीशन होती है तब हम एमजेसो फोर देते हैं एक कंडीशन है एक्यूट हाइपो मैग्नीसिया यानी कि ब्लड के अंदर जब मैग्नीशियम का लेवल डाउन हो जाए उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी या फिर करेक्टिव मेजर्स के लिए जब ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए तो उसको करेक्शन करने के लिए मैग्नीशियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम एमजेसो फोर का सोल्यूशन देते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप इसको समझ गए तो बाकी कंडीशन आप समझ आओगे आप ये समझो कि जो भी मैग्नीशियम ड्रग होती है ये न्यूरोन और दो न्यूरोन ये दो न्यूरल एरिया है यहाँ पे जब न्यूरोन से इंपल्स ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन की ओर तरफ जाते हैं और इस न्यूरोन से आगे टारगेट मसल्स की ओर भी जाते हैं तो सपोज करें मसल्स की कोई सेल है तो इस तरह से इंपल्स ट्रांसफर होते हैं तो ये इंपल्स पे या न्यूरोस पे ही काम करने के लिए एक ड्रग है इसको मैंने यहां पे बनाया कि एक का एंड जो टर्मिनल डेंट्राइट्स का टर्मिनल बटन है या फिर टेलीडेंट्राइट्स का टर्मिनल बटन्स है और ये दूसरे न्यूरोस के रिसेप्टर साइड्स है यानी कि डेंट्राइट्स वाला पोर्सन तो आप ये समझ लो इस पोर्सन को एक्सप्लेन किया गया इस पॉइंट में ठीक है तो एक न्यूरॉन का एंड पोर्शन और दूसरी न्यूरॉन का शुरुआत वाला पोर्शन नर्व इम्पल ट्रांसफर ऐसे ही होता है एक न्यूरॉन से दूसरे की ओर ये बीच में सिनेप्सिस या सिनेप्टिक न्यूरो एरिया प्रेजेंट है तो आप ये समझो कि एक की टर्मिनल बटन प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनल बटन में कुछ होते हैं न्यूरो और ये न्यूरो बाहर को फ्लक्स कराने के लिए इसके अंदर एंटर करता है कैल्शियम कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नर्व इंपल्स को ट्रांसफर कराने के लिए तो जैसे ही इनके अंदर कैल्शियम एंटर करता है इनफ्लक्स करता है जैसे यहां पे बनाया गया है कि कैल्शियम जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो बाहर से रिलीज होगा या तो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो सकता है या फिर गाबा रिलीज होगा गाबा मतलब गामा अमीनोबिट्रिक एसिड ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर है स्पेशली नर्व इंपल्स को ट्रांसफर कराने के लिए तो ये समझो कि जब कैल्शियम अंदर एंटर करता है अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है और एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर पे काम करेगा और इन रिसेप्टर पे काम करता है एसिटाइल कोलिन तो एक्शन करवा देता है एक्साइटेटरी एक्टिविटी एक्साइटेटरी एक्टिविटी का मतलब है मसल्स में पॉजिटिव एनर्जी गेन होना मसल्स पॉजिटिवली काम करना ज्यादा काम करना अगर मसल्स कम काम करेगी तो उसे बोलते हैं इनिबेटरी एक्टिविटी और ये इनिबेटरी एक्टिविटी काम कराता है गाबा गामा इम्योनोबेटरिक एसिड ये काम कराता है तो पे हम जो पूरी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैल्सियम अंदर एंटर करेगा और रिलीज करवाएगा तो, मतलब तो बाई चांस एक ऐसा कंटेंट हो जो एसिटाइलोलिन के लेवल को सप्रेस करा दे या फिर कैल्शियम को इस टर्मिनल बटन के अंदर एंटर ना होने दे तो मसल्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी और यही काम करता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या करता है जो भी ये रिसेप्टर है इनको ब्लॉक कर देता है कैल्शियम जो रिसेप्टर है इनको ब्लॉक कर देगा और जब रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा तो इसके अंदर से कैल्शियम एंटर नहीं करेगा कैल्शियम एंटर नहीं करेगा तो बाहर से एसिटाइक्लिन रिलीज नहीं होगा और एसिटाइलक्न रिलीज नहीं होगा तो जो एक्साइटेटरी मसल्स में हो रही वो एक्साइटेटरी एक्टिविटी नहीं होगी यानी कि मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो इस पूरी फिजियोलॉजी से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे मैं इट ब्लॉक न्यूरल कैल्शियम इन्फ्लक्स यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो भी कैल्सियम इन्फ्लक्स होने वाला है इन टर्मिनल बटन के अंदर उसको ब्लॉक करा देगा एंड एक्ट एज अ अम्ब्रेन स्टेबिलाईजर जो ये मेमब्रेन यहां पर बन रही है न्यूरल प्लेट जो बनती है वो मेमब्रेन में जो एक्साइटेटरी एक्टिविटी होने वाली है उसको स्टेबल कर देगा आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं इट कॉज एक पॉइंट तो ये था कि मसल्स को रिलैक्स कर देता है नया पॉइंट है इट कोस वेसोडर या फिर डायलेट यूट्राइन आर्टरी इन सब आर्टरी को डायलेट करा देता है और ये डायलेट कैसे कराता है जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है एंडोथिलियल पे जिसको बोलते हम प्रोस्टासाइक्लिन प्रोस्टासाइक्लिन को इंक्रीज करवा देता है अगर प्रोस्टासाइक्लिन इंक्रीज हो गया तो ब्लड वेसल्स डायलेट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन में ऐसा होता है

कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा जिससे कि एसिडाइल रिलीज नहीं होंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते ही हमें साइड इफेक्ट पता चल जाएगा डिक्रीज नी जर्क रिफ्लेक्स या मसल स्टोन को डिक्रीज कर देगा क्यों डिक्रीज कर देगा क्योंकि एसिडाइलक्लोरिन को सप्रेस कर रहा है रिलीज नहीं होने दे रहा है अगर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी डायफ्राम की भी तो रेस्पिरेटरी फेलियर की सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है और ब्लड वेसल्स डायलेट है ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास नहीं जा रहा है तो किडनी आउटपुट नहीं देगी और किडनी आउटपुट नहीं देगी तो रिनल फेलियर वाली सिचुएशन मिल सकती है एमजे फोर में देखने के लिए तो ये इसके साइड इफेक्ट है और अगर ये साइड इफेक्ट है तो इंडिकेशन भी हमें पता होना चाहिए किस कंडीशन में हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटर रखनी है एमजेसो फोर को सबसे पहला क्राइटेरिया मसल स्टोन प्लस टू या इससे कम हो मसल स्टोन का क्राइटेरिया प्लस टू या इससे कम का क्या मतलब है हम इस मसल स्टोन को क्राइटेरिया को इस क्राइटेरिया से समझेंगे कि मसल स्टोन का क्राइटेरिया मसल स्टोन को हम चेक करते हैं शायद आपने प्रकाशन हैमर जब हम प्लेस करते हैं या फिर मसल्स को टच करते हैं तो मसल्स का रिस्पांस कैसा है तो उसके लिए अगर मसल स्टोन का क्राइटेरिया नॉर्मल है नॉर्मल रिस्पॉन्ड मसल स्टोन कर रही है तो उसे बोलते हैं प्लस टू रिस्पॉन्स मसल्स का रिस्पॉन्स स्लो है तो बोलते हैं प्लस वन और नो no रिस्पॉन्स अगर मसल्स का है तो उसे बोलते हैं जीरो रिस्पॉन्स तो ये तो नॉर्मल है जिसमें प्लस टू वाला क्राइटेरिया सेट से होता है इससे पहले वाला हाइपोटोनिक सिचुएशन और जीरो सिचुएशन पर मतलब मसल्स नो रिस्पॉन्स कर रही है। एक है, कर हैं एक कंडीशन है हाइपर रिस्पॉन्स करेंगे तो उसे बोलेंगे प्लस थ्री और हाइपर रिस्पॉन्स से भी ज्यादा अग्रेसिव रिस्पॉन्स यानी कि मसल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं रिजिड हो गई हैं जैसा सीजर में देखने के लिए मिलता है इसमें बोलते हैं कि नीज मूवमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं प्लस फोर तो इसका मतलब एमजीएसओ फोर में हम तब नहीं देंगे जब मसल स्टोन स्लो हो गई हो हाइपोटोनिक हो गई हो कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा हो क्योंकि तो ऐसा काम और एडवर्सली कर देगा और कर देगा और ज्यादा सीवियर कर रिस्पांस नहीं आएगा एमजीओसोफर को देने के बाद में तो हम एमजीओसोफोर को इस क्राइटेरिया में देते हैं जब क्लाइंट का रिस्पॉन्स हाइपर रिस्पॉन्सिव या फिर मसल्स रिजिडिटी वाली सिचुएशन या टॉनिक क्लोनिक कंडीशन आती है सीजर में उस कंडीशन में हम एमजीओ को देते हैं यहां पर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें प्लस टू या फिर प्लस टू से कम हो तो उस कंडीशन में हमें एनजीएसओ फोर को नहीं देना है नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट की बात है जैसे हमने डायफ्राम की बात की अगर डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स कर गई हैं तो रेस्पायरेशन नहीं होगा तो हमें ध्यान रखना है कि रेस्पायरेशन रेट लेस देन ट्वेल्व नहीं होना चाहिए लेस देन ट्वेल्व का मतलब है लेस देन ट्वेल्व ब्रीथ पर मिनट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन आउटपुट क्योंकि किडनी फेलियर वाली सिचुएशन ओली यूरिया सिचुएशन बन रही है तो इसलिए यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए थर्टी एम एल पर आवर से कम नहीं होना चाहिए अगर यह कंडीशन मिलती है तो हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है एमजेसो फोर को नहीं देना है नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है ग्रेविस ग्रेविस एक न्यूरल कंडीशन है न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम की जिसमें मसल्स एक्सेसिवली रिलैक्स कर जाती हैं अगर मसल्स एक्सेसिवली रिलैक्स करेंगी तो उस कंडीशन में भी हमें एमजेसो फोर को नहीं देना है नेक्स्ट पॉइंट है डोज कितनी डोज हमको देनी है तो डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है आईएम और आईवी कि डोज को हम या तो इंट्रा मस्कुलर दें या फिर इंट्रा वास्कुलर दें इन दोनों का डिफरेंसिएट हम करेंगे लोडिंग डोज और डोज के साथ इसको देखो रटना नहीं है बिल्कुल समझना है बहुत ध्यान से ध्यान से समझोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा तो पहले बात करते हैं आई एम रूट से कि अगर हम आई एम रूट का यूज कर रहे हैं तो दो डोज यूज करते हैं लोडिंग डोज या फिर मेंटेनेंस डोज लोडिंग डोज का मतलब होता है कि क्लाइंट का मैग्नीशियम सल्फेट को हमें बहुत जल्दी से इन्फ्यूज कराना पड़ेगा और वो क्यों कराना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन शायद इमरजेंसी सिचुएशन हो हो रही हो या फिर हाइपर रिस्पॉन्व सिचुएशन हो रही है जिसमें हम मैग्नीशियम देके कंडीशन को कंट्रोल करते हैं तो शुरुआत में जो कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोडिंग डोज देते हैं तो इसी यही लोडिंग डोज ज्यादा अमाउंट में देते हैं और ज्यादा अमाउंट में कितनी देंगे लोडिंग डोज फोर ग्राम आईवी ध्यान रखेंगे आई एम रूट से भी अगर हम दे रहे हैं तो उसमें भी लोडिंग डोज हमें देनी है फोर ग्राम फोर ग्राम आई देंगे और उसके बाद टू फोलो टेन ग्राम डीप आई और टेन ग्राम को भी डिवाइड कर देंगे दोनों बटक्स में फाइव ग्राम विद ईच बटक्स दोबारा से फिर से देखो कि लोडिंग डोज अगर दी जा रही हो आईएम रूट से भी फोर ग्राम आई भी देंगे टू फॉलो टेन ग्राम डीप आई 10 टेन ग्राम लगाएंगे डीप आई के साथ में और पांच ग्राम ईच बटक्स के साथ में लगाएंगे मेंटेनेंस डोज कितनी देंगे मेंटेनेंस डोज देंगे फाइव ग्राम डीप आई ऑन अल्टरनेट बटक्स अब इसमें ईच बटक नहीं है अल्टरनेट बटक में मतलब जैसे कि हमने ये एवरी फोर आवर बोल रहा है कि अगर बारह बजे हमने कोई डोज राइट बटक्स बटक दी है तो चार घंटे बाद में लेफ्ट बटक्स पे देंगे और कितनी डोज देंगे हर बार में फाइव ग्राम बटक्स में देंगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आईवी डोज अगर हमें देनी हो ये भी रटना नहीं है इसमें तो बिल्कुल आसान है जैसा आईएम डोज में हम शुरुआत में फोर ग्राम आईवी देते हैं तो इतनी ही डोज लगभग इंट्रावास्कुलर में लोडिंग डोज है फोर ग्राम फोर टू सिक्स ग्राम लगभग उतनी है, टू ग्राम दो, लोडिंग डोज देंगे और उसके बाद मेंटेनेंस डोज पे रखेंगे वन टू टू ग्राम पर आर आई ये भी लगभग इतनी हो जाती है क्योंकि हम फोर आर दे रहे हैं इसको आरली दे रहे हैं तो वन टू टू ग्राम पर आर आई वी, तो वी मेंटेनेंस के साथ में देंगे तो ये था इसका डोज इसके बाद थेरापटिक लेवल कितनी भी डोज हम दे रहे हो थेरापेटिक लेवल फोर टू सेवन मिलीक्वेलन पर लीटर होना चाहिए इसके लिए हम सीरम मैग्नीशियम का लेवल कंटिन्यू चेक कराते हैं और सीरम का सैंपल भेजने के लिए कौन सी ऑयल यूज करते हैं रेड वॉयल रेड वॉय या सीरम ऑयल हम यूज करते हैं जिसमें हमें थेरोरापेटिक लेवल रखना है फोर टू सेवन मिलीक्वेलन पर लीटर सेवन से ज्यादा हो रहा हो तो एमजीएसओ फोर के लेवल को कम कर देंगे फोर से अगर कम हो रहा हो तो उसका करेक्शन हम डोज को बढ़ाना शुरू कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये थेप्यूटिक लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में और आईवी रूट से हम इसको इंसर्ट करेंगे अब कैल्शियम कर, ग्लूकोनेट क्या करता है आपको एक्शन से क्लियर हो गया होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट को ही या फिर कैल्शियम के लेवल को ही एमजेसोफोर कंट्रोल करता है क्योंकि कैल्सियम को इन्फ्लक्स नहीं होने देता न्यूरोन में जिसकी वजह से इंपल्सर जनरेट नहीं होते तो उसके लिए हम क्या करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के लेवल को बढ़वा देते हैं तो यही इसका एमजीएसओफोर की टॉक्सिसिटी होने के साथ में इसका एंटीडोड भी यही है तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद